अबे यार अंधा है क्या तू, बीच में बैठा हुआ है इडियट। अरे वो सॉरी मैम साहब, मुझे ना दिखाई नहीं देता, वो मैं अंधा हूँ इसीलिए। वैसे मैम साहब यहाँ पे मेरा बैग पड़ा हुआ, क्या वो मुझे दे दोगी आप? हाँ हाँ आपका बैग था, मैं दे देती हूँ, एक सेकंड रुको। ये लीजिए। ये क्या कर रहे हैं संदे के साथ? अरे ये क्या कर रहे हो तुम सर? अरे मैम साहब यहाँ पे कोई और भी है क्या? अरे नहीं यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अच्छा वो मैम साहब मुझे बस स्टैंड जाना है। बस स्टैंड तो यही है पास में। क्या मैडम आप मुझे छोड़ दोगी? हाँ हाँ चलो मैं आपको छोड़ देती हूँ। चलिए मैडम, शुक्रिया मैडम आपका। ठीक। ये तुमने अच्छा नहीं करा बेचारे के पैसे चोरी करके। ज्यादा बकवास मत कर, तेरे को पैसे चाहिए ना, ये पैसे पकड़ और ज्यादा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है। पर तुमने ये गलत करा ना। अबे तुम मेरे को भाषण मत समझा, चल निकल। ये लो आ गया बस स्टैंड पास में ही, अब आप खुद चले जाइए। थैंक यू जसमीत जी। अबे यार इसको मेरा नाम कैसे पता? अरे जसमीत आज तो मजे आ गया यार, तू तो इंटरव्यू देने जा रही थी ना, और अपने पास तो पैसे ही पैसे हैं, और अब ना अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। हाँ प्रिंस तू ना बिल्कुल ठीक कह रहा है। पर तुम दोनों ने ना उसके साथ अच्छा नहीं किया। अबे ओए ज्यादा मसीहा बनने की जरूरत नहीं है, तुझे मैंने तेरा हिस्सा दे दिया है ठीक है, और ज्यादा बकवास करेगा ना तेरे यहीं हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं, चलने के लिए यहाँ से। अबे जसमीत चलना यार, और ये क्या रिज्यूम ले रखा है इसको फेंक, हम थोड़ी हमें इसकी जरूरत, वैसे भी पैसे आ ही चुके हैं। हाँ यार तू सही कह रहा है, तो हमें जरूरत नहीं। इनका कुछ गिर गया लग रहा है। अरे ये तो वही कंपनी का एड्रेस है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने। एक काम करते हो, इसको अपने साथ रख लेता हूँ, वो आएंगे तो उन्हें दे दूंगा। भाई रुको, ये लो आपके पैसे। अभी जो लड़की ने आपके बैग उठाए थे ना, उन्होंने आपके बैग से सारे पैसे निकाल दिए। मैं उनको रोकने की बहुत कोशिश करी पर वो चले गए। पर आप ना बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरे हाथ में ना उनकी एक फाइल लगी है जिसमें उनकी सारी डिटेल है, और जिस कंपनी में मैं इंटरव्यू देने जा रहा था ना उसी कंपनी में वो भी इंटरव्यू देने जा रहे थे। चलो हम एक काम करते हैं, चलते पुलिस स्टेशन, उनके नाम की ना कंप्लेंट लिखवाते हैं। क्या तुम इंटरव्यू के लिए लेट नहीं हो रहे? अरे भैया मेरे इंटरव्यू से ज़्यादा ना आपके पैसे इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं आपके पैसे दिलवाता हूँ। मुझे ना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मुझे देखना था वो चीज़ें मैं देख चुका, वो भी अपने आंखों से। मतलब तुम अंधे नहीं हो? हाँ मैं अंधा नहीं हूँ, और तुम जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो उस कंपनी का ओनर कोई और नहीं मैं ही हूँ। तो आपने ये सब नाटक क्यों किया? चलो आओ मैं तुम्हारे को कुछ दिखाता हूँ। सर इसका मतलब आप राग कंपनी के ओनर हो? हाँ बिल्कुल सही पहचाना तूने। पर सर आप सीधे सीधे भी तो इंटरव्यू ले सकते थे, आपको ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी? मुझे ना अपनी कंपनी के लिए मशीन नहीं इंसान की जरूरत थी, और इंसान वही होता है जिसके अंदर इंसानियत हो, और उन दोनों के अंदर ना बिल्कुल भी इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं है, और वो क्वालिटी तुम्हारे अंदर है, और तुम मेरी कंपनी में CA के कैंडिडेट के लिए बिल्कुल सही बंदे हो। लाओ अपनी फाइल दो। सर तो आपके पैसे लेके चले गए, आपका नुकसान नहीं हुआ? तुम्हें क्या लगता है मैं अपना नुकसान करवाऊंगा? उस वक्त अंधा मैं नहीं, अंधे वो दोनों थे,
और जो वो पैसे लेके गए थे ना, वो सारे के सारे पैसे नकली थे। नकली? हाँ, नकली थे वो पैसे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जॉब पक्की हुई, कल से आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर, मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, और आपका धन्यवाद जो आपने मुझे ये जॉब दिया। थैंक यू सो मच सर।